regard to the Honorable Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan ji. And now I request Honorable Minister of Health and Family Welfare to hand over the bus to the Director AIMS, requesting Director AIMS, Dr. Randeep Guleria, Professor Randeep Guleria, to receive the bus from Minister of Health. May I once again request Honorable Minister of Health and Family Welfare to hand over the drug to DGFMS. He was not able to come due to some personal accidents. Let him deliver. May I now request Dr. Harshvardhan ji, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Science and Technology and Earth Sciences, to address. परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, मंच पर विराजमान DRDO के चेयरमैन श्री सतीश रेड्डी जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी अत्यंत वरिष्ठ DRDO के, स्वास्थ्य मंत्रालय के, भारत सरकार के अनेक विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और डॉक्टर रेड्डीज लैब के चेयरमैन, हमारी दूसरी साइंस लेबॉरिटरी के जो डायरेक्टर्स वर्चुअली जुड़े हैं वो सब लोग, और मीडिया के मित्रों, मई के महीने में शायद आज का दिन हम सबके लिए सबसे ज़्यादा सुखद अनुभूति का दिन है, क्योंकि कोविड की जंग तो एक साल से ज़्यादा समय से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस एक साल से ज़्यादा लंबी जंग में जहाँ भारत की तरफ से वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन को डेवलप भी किया गया, वैक्सीन को देश के लिए उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन शायद भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा DRDO के सहयोग से, हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। दूसरी बात कि शायद मई के महीने में ये लगातार, वैसे तो पिछले सप्ताह में लगातार हमने देखा कि हम लोगों के जो भारत में केसेस रिकवर हो रहे थे उनकी संख्या जो नए केसेस आ रहे थे उनसे ज़्यादा थी। पहले सप्ताह में चार दिन लगातार हमने ऐसा समय देखा जब 4 लाख से ज़्यादा केसेस लगातार आते रहे, लेकिन आज का दिन मैंने कहा कि सुखद अनुभूति का इसलिए भी है क्योंकि आज लगभग 1 लाख केसेस की रिकवरी ज़्यादा हुई है नए केसेस के मुकाबले। नए केसेस अगर 2,81,000 हुए हैं तो रिकवरी लगभग 3,79,000 के करीब हुई है। इसलिए मैंने कहा कि मई के महीने में ये शायद आज का दिन सबसे ज़्यादा सुखद दिन है, और मुझे पूरा विश्वास है, जितनी मैंने चर्चा की डॉक्टर चांदना से,
डॉक्टर अनंत भट्ट से इन मास को भी इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। सीसीएमबी हमारा सीएसआईआर का हैदराबाद की लेबोरेटरी, उसको भी बधाई देना चाहते हैं। डॉक्टर रेडीज लैब को भी बधाई देना चाहते हैं। हमारे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल के डीजी डॉक्टर सोमानी को भी बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ कितने भी देश में इस एक साल में जो फेज वन से शुरू होकर और फेज टू थ्री तक ट्रायल्स हुए, इसमें जैसा अभी रेड्डी जी ने भी कहा कि लगभग 30 अस्पताल, उनके डॉक्टर्स, उन्होंने इस रिसर्च के अंदर पूरा परिश्रम करके कॉन्ट्रीब्यूट किया। एक साल तक एक दवा की खोज में रिसर्च करने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए, और वो सारे धैर्य का परिचय देते हुए आज वो दिन आया जब हमारे सामने एक दवा जिसमें प्रबल संभावनाएं हैं, जिसकी उसकी साइंस समझने की मुझे भी मौका मिला कि शायद ये उन सेल्स में जहां जाकर वायरस अपना प्रकोप तेजी से बढ़ाने का प्रयास करता है, वहीं पर ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुंचेगी, वहां पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन को कैसे जो है रोक पाएगी, और एक प्रकार से पॉजिटिवली जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं, जो हमारा ठीक होने का समय है उसको कम कर पाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाएगी। तो मुझे आज के इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि ये जिस प्रकार का इसके इनिशियल रिजल्ट्स हमको ट्रायल्स में दिखाई दिए हैं, ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के ही लिए नहीं अपितु पूरे संसार के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस अवसर पर मैं DRDO को और उसके सभी वैज्ञानिकों को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोविड के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई पिछले वर्ष, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार जो है होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ उसने लड़ना शुरू किया, और उस समय से लेकर आज तक DRDO ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर। जब हमारे को अस्पतालों के बेड्स की कमी महसूस हुई, हमें ऑक्सीजन बेड्स की कमी महसूस हुई, ICU बेड्स की कमी महसूस हुई, तो खाली दिल्ली में ही नहीं अपितु सारे देश के अंदर, लखनऊ में, वाराणसी में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, हल्द्वानी में, ऋषिकेश में, जम्मू में, कश्मीर में, जगह जगह सारे देश के अंदर जो है कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल विद इन नो टाइम, और अभी भी जो है वो प्रक्रिया ऑन है। इस समय जो दोबारा से हमारे सामने जो है एक सर्ज के कारण ज़्यादा तकलीफ आई, उस तकलीफ में भी बहुत बुलंदी के साथ, और जब देश ने देखा कि हमारे को एक साथ केसेस बढ़ने के कारण जो ऑक्सीजन है शायद। फिलहाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। आज DRDO की दवा 2DG लॉन्च हो चुकी है, इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा लेकर चलते हैं। सचमुच आज मुझे बेहद खुशी है कि DRDO द्वारा तैयार किए गए 2-DOX-D-ग्लूकोज, इसका संक्षिप्त नाम है 2DG, इस ड्रग के लॉन्चिंग सेरेमनी में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा कि देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने आपको बताया कि कोविड में विशेष रूप से यह ड्रग बहुत ही अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करेगी, और हमारे वैज्ञानिकों ने जो इस ड्रग का इजाद किया है, जो इस ड्रग को तैयार किया है, मैं तो उनको अपनी तरफ से बधाई देना ही चाहता हूँ, पूरे DRDO को बधाई देना चाहता हूँ, DRDO के हमारे
चेयरमैन को भी बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को भी बराबर इस संबंध में, वैसे उन्होंने पहले भी मुझे जानकारी दी थी यह काम हमारे यहाँ चल रहा है। जैसे जब इसमें कामयाबी हासिल हुई तो जब उन्होंने इसकी जानकारी मुझे दी तो सचमुच मुझे इसकी बेहद खुशी हुई। और जो काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है उसके लिए तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं ये कहूँगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी से, यह सब सारा समाप्त होने के बाद जब भी कभी अवसर मिले तो आपकी देख रेख में जिन साइंटिस्ट का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है इस ड्रग को तैयार करने में, और मैं समझता हूँ कि हमारी डॉक्टर के सतीश रेड्डी जिनकी लैब के कोऑपरेशन से काम हुआ है, इनमें जिनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको स्वयं मैं अपने हाथों से सम्मानित करना चाहूंगा। क्योंकि मनुष्य की सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है मन की, एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट, सेंस ऑफ प्राइड, सबसे जबरदस्त फीलिंग होती है। चाहे हम उनको जितनी भी रकम दे दें, जितना भी पैसा दे दें, मैं समझता हूं कि सम्मान देने के मुकाबले उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए यह काम निश्चित रूप से होना चाहिए। और हमारे जो काम हुआ है मैं समझता हूं हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं पुनः सभी वैज्ञानिकों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और इसलिए मैं डीआरडीओ और ड्रग के रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े सभी लोग हैं जैसा मैंने कहा उनको मैं सम्मानित खुद करूंगा, और मैं अपनी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और यह ड्रग जिसका यह इजाद हुआ है यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने एक बड़ा से बड़ा वो चैलेंज आया है तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है, उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। और जो यह ड्रग का इजाद किया गया है मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है उसकी भी एक मिसाल है, उसका भी एक उदाहरण है। और जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ी है, जब मैं रक्षा मंत्रालय का दायित्व नहीं संभाल रहा था तब से मैं जानता हूं डीआरडीओ ने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जिस तत्परता के साथ अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्रालय के ही वो सेक्रेटरी हैं, डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, मैं उनकी भी भूमिका को देखता हूं सचमुच मुझे लगता है कि उसकी मैं प्रशंसा न करूं उनके साथ ये इनजस्टिस होगी। बहुत ही बराबर इन सब सारी चीजों में सिंसियरली वो अपना रोल प्ले करते रहते हैं। आज इस ड्रग की लॉन्चिंग हुई है और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को हैंड ओवर किया है और इन्हें जिन्हें करना चाहिए राजेश भूषण जी हेल्थ सेक्रेटरी और हमारे डायरेक्टर रेंज डॉक्टर गुलेरिया जी उनको उन्होंने हैंड ओवर किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं या करने के परिणाम स्वरूप हम सबों को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां सारे एक्सपर्ट बैठे हैं वो जानते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा जो ये जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आगे भी और कोई ये आ सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है, न हम निश्चिंत होंगे और न हम फंसेंगे और न किसी रूप में हम हारेंगे, हम कोविड पर विजय प्राप्त करेंगे इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। वैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व तमाम महत्वपूर्ण बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, कोरोना के प्रति हम सबको सजग रहने की जरूरत है।